और रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू चैनल टीप इन्फो। हमने शुरू किया हुआ है लेक्चर सीरीज़ इंडस्ट्रियल फार्मेसी, या इसको फार्मास्यूटिक्स 2 भी आप कह सकते हैं। इसके लेक्चर, उसके पहले 3 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। इसमें आज हम पढ़ेंगे फार्मूलेशन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ सोलिड एंड सेमी सोलिड डोजेस फॉर्म। सोलिड सेमी सोलिड के अंतर जो आ जाती हैं, सोलिड में आ जाते हैं टेबलेट एंड कैप्सूल, और सेमी सॉलिड में आ जाते हैं ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले उसको ज़रा सा डायग्रामेटिकली समझाया जाता है कि हम इस टॉपिक में आज क्या क्या पढ़ेंगे। इसी एक डायग्राम में आपको पूरे टॉपिक का ओवरव्यू हो जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मूलेशन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ सोलिड डोजेस फॉर्म। सोलिड डोजेस फॉर्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आते हैं कैप्सूल, कैप्सूल के मैनुफैक्चरिंग मेथड देखेंगे, और उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड में आ जाता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग। दूसरे हम देखेंगे टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग मेथड। टैबलेट्स के 3 मेथड हैं, वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड और डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड्स। ठीक है, ये तो हो गए हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मूलेशन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के भी 2 मेथड हैं, दो इसके अंदर चीज़ें पढ़ेंगे हम। ऑइंटमेंट की मैनुफैक्चरिंग मेथड उसके 2 हैं, ट्रिट्रेशन जो मैकेनिकल मेथड है और फ्यूजन मेथड। ठीक है, एक आप कह सकते हैं मैकेनिकल मेथड है और एक फ्यूजन मेथड है। दूसरा है हम पढ़ेंगे सेमी सॉलिड में क्रीम्स, क्रीम्स को हम इमल्शंस भी कहते हैं, और क्रीम्स के मैन्युफैक्चरिंग मेथड 3 हैं, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और पोटल मेथड। इन तीनों मेथड को हम डिटेल से एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे अगली आने वाली स्लाइड्स के अंदर। ठीक हो गया, आगे बढ़ने से पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस क्या है? फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस का जब हमें पता होगा तो तभी हम सेमी सॉलिड और सॉलिड डोजेज फॉर्म की फार्मूलेशंस को डिस्कस करना हमारे लिए आसान होगा। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस को इस तरह हम डिफाइन करते हैं, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन इन फार्मास्यूटिक्स इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग द एक्टिव ड्रग्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट। यानी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस के अंदर हम ऐसे अमल को अख्तियार करते हैं जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस जो है तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर शामिल है एक्टिव ड्रग्स और शामिल है एक्टिव ड्रग्स के साथ दूसरे एक्सपीरियंट भी शामिल होते हैं, आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। यानी एक्टिव ड्रग्स और दूसरे केमिकल सब्सटेंस को मिलाकर जो फाइनल मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने का जो अमल है, उस अमल को हम फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस कहते हैं। मजीद हम इसको इस तरह स्टडी करते हैं, फार्मूलेशन स्टडीज इन्वॉल्व डिवेल्पिंग और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग। यानी इसकी फार्मूलेशन स्टडीज के अंदर शामिल है ड्रग की तैयारी विच इज़ बहुत स्टेबल एंड एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट्स। यानी ऐसी ड्रग की तैयार करना जो कि स्टेबल हो, यानी काफ़ी अरसे तक अपनी हालत को मेंटेन रखे और पेशेंट इसको इजीली टेक इन कर सके। फॉर एग्जांपल ओरल टेकन ड्रग्स, मिसाल तौर पर ओरल टेकन ड्रग पेशेंट के लिए आसान होती हैं। दिस यूजुअली इन्वॉल्व इनकॉर्पोरेशंस इनकॉर्पोरेटिंग ड्रग इनटू टेबलेट और कैप्सूल। जो ओरली टेकन ड्रग्स होती हैं उसको हम किस शक्ल में बनाते हैं? टेबलेट और कैप्सूल की शक्ल में बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की आपने डेफिनेशन देख ली, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबलेट। टेबलेट को हम किस तरह मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे पहले आप टेबलेट के बारे में थोड़ा सा जान लें कि टेबलेट्स आर द मोस्ट कॉमन सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर मेनी रीजन इंक्लूडिंग ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी टेबलेट सबसे ज़्यादा आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली सॉलिड डोजेज फॉर्म है, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान है और कन्वीनियंस फॉर द पेशेंट, पेशेंट के लिए इसको लेना भी आसान होता है। एक्यूरेट डोज एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी डोज एक्यूरेशन भी एग्जैक्ट होती है टेबलेट के अंदर, एंड बेटर स्टेबिलिटी देन लिक्विड एंड फार्मास्यूटिकल
लिक्विड एंड पेरेंटल डोजेज फॉर्म, यानी जो टेबलेट्स की जो स्टेबिलिटी होती है, यानी उसका अपनी कंडीशंस को मेंटेन रखना लिक्विड और पेरेंटल डोजेज फॉर्म से बेहतर होता है, इसलिए हम टेबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसके ये फायदे हैं। फार्मूलेशन ऑफ टेबलेट्स, टेबलेट्स को फार्मूलेशन करने के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये हम देखने हैं। टेबलेट फार्मूलेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ ड्रग्स और ड्रग्स टुगेदर विद वेरिंग नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस कॉल्ड एक्सीपिएंट्स, यानी टेबलेट्स को जब हम तैयार करते हैं एक तो उसके अंदर ड्रग्स यानी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शामिल होता है, इसके अलावा दूसरे एक्सीपिएंट्स भी शामिल होते हैं। एक्सीपिएंट्स का मतलब है कि एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसके अंदर शामिल करते हैं, उसकी मुख्तलिफ रीज़न होती हैं, रीज़न की उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रखना होता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी और एक्यूरेसी, ये तमाम चीज़ें की वजह से हम एक्सीपिएंट लाजमी शामिल करते हैं टेबलेट की फॉर्मेशन में। उस एक्सीपिएंट में और ड्रग्स ड्रग्स भी शामिल हैं, डिल्यूएंट, डिल्यूएंट में मैक्रो क्रिस्टलाइन सेली सेल्यूलोज लैक्टोज भी शामिल होता है, बेंडर्स भी शामिल होते हैं, बेंडर्स को पीवीपी भी कहते हैं, लुब्रिकेंट भी शामिल होता है, मैग्नीशियम सिट्राइराइड टैलिक ये लुब्रिकेंट के नाम हैं, बुफर्स एक्सीपिएंट्स भी शामिल होते हैं, स्टेबलाइजर डिस इंग्रेडिएंट एमसीसीएल गिनेट्स भी इसे कहते हैं, कोलोरेंट्स टेटेटेनियम और डाइऑक्साइड रिबोफ्लेविन फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स सुक्रोज मैनिटोल डेक्सट्रोज भी इसके अंदर ये हमारे किसके अंदर शामिल हैं एक्सीपिएंट्स। एक्सीपिएंट्स आपको 7 किस्म के बताए हैं, ड्रग्स डिल्यूएंट्स बेंडर्स लुब्रिकेंट्स फाइबर्स स्टेबलाइजर डिस इंग्रेडियंट कलरेंट और फ्लेवर एंड स्वीटनर्स, ये एक्सीपिएंट्स की आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि ड्रग की फॉर्मेशन में काम आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबलेट, अब हम टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग के मेथड देखेंगे। इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं, वेट ग्रेनुलेशन मेथड और ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। पहले हम ये 2 पढ़ लें, उसके बाद तीसरा आपको बहुत इसकी टेबलेट की जो मेथड होगा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पहला मेथड है उसका नाम है वेट ग्रेनुलेशन मेथड। वेट ग्रेनुलेशन मेथड के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं, वेविंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यानी जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है उसको हम वजन करते हैं और उसको ब्लेंडिंग इंग्रेडिएंट, ब्लेंडिंग्स का मतलब होता है मुरक्कब या अमेजिश, यानी ब्लेंडिंग के अंदर हम उसका एक वजन करते हैं, उसका जो अमेजिश होता है मखलूत किस्म का वो भी उसका उसके साथ ही हम उसको इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। दूसरे नंबर पर वेट ग्रेनुलेशन मेथड में क्या होता है, दूसरा स्टेप प्रिपेयरिंग दी वेट ग्रेन्यूल, जो भी उसके रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम उसका उसको रॉ मटेरियल को वेट ग्रेन्यूल्स यानी उसको गीला करते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग दी डैम्प मास इनटू प्लेटलेट्स एंड ग्रेन्यूल्स, जो उसको यानी जो बहुत बड़ा मास बन जाता है उसके हम छोटे छोटे पेलेट्स या ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, यानी छोटे छोटे उसको गोल गोल से या किसी भी टाइप के ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद ड्राइंग उसको खुश्क करते हैं, खुश्क करके उसकी ड्राइंग स्क्रीनिंग यानी उसको फिर छानते हैं, ठीक है, और उसके बाद लुब्रिकेंट एंड ब्लेंडिंग फिर होती है, यानी उसके बाद जो है आपको मखलूत जो चीज़ें होते हैं वो उसके अंदर शामिल की जाती हैं लुब्रिकेंट्स वगैरह। उसके बाद मेकिंग दी टेबलेट बाई कंप्रेसिंग इन मशीन, जब वो तमाम टेबलेट तैयार हो जाती है तब हम उसको कंप्रेस करते हैं मशीन की मदद से, रिक्वायर्ड जो हमें टेबलेट्स की मकदार चाहिए होती है उसी हिसाब से उसको कंप्रेस करके टेबलेट की रिक्वायर्ड शेप बनाते रहते हैं। ये हो गया वेट ग्रेनुलेशन मेथड। दूसरा है ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड। ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द वेट ग्रेनुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल, ये इस मेथड को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब वेट ग्रेनुलेशन काबिल इस्तेमाल नहीं होता, देर इज नो यूज ऑफ सोलवेंट इन दिस मेथड, इसके मेथड में सोलवेंट इस्तेमाल नहीं होता। सोलवेंट का मतलब है कि आप इसमें वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होता, ये जस्ट स्लगिंग मेथड होता है, सिर्फ और सिर्फ खुश्क चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड में। इन दिस मेथड ग्रेन्यूल्स इज फॉर्म्ड बाई मॉइस्चरिंग
और एडिंग अ ब्लेंडिंग एजेंट टू द पाउडर मिक्सचर, यानी इसके अंदर हम जो है इस मेथड के अंदर मॉइस्चरिंग यानी हम नमी इस्तेमाल नहीं करते, और ब्लेंडिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं, बाइंडिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि पाउडर मिक्सचर होता है या दूसरे बाइंडिंग एजेंट होते हैं, बट कॉम्पैक्टिंग लार्ज मासेस ऑफ द मिक्सचर एंड सब्सिक्वेंट क्रशिंग एंड साइजिंग इनटू ग्रेन्यूल, यानी उसके बाद जो लार्ज इसके अंदर कंप्रेशंस मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं मिक्सिंग और सब्सिक्वेंटली क्रशिंग, यानी मिक्सिंग के लिए हम लार्ज मासेस इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जब वो मिक्स हो जाता है उसके बाद हम उसको क्रशिंग करते हैं, उसको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे पीसेस के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के अंदर। अब जो स्टेप्स हैं ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड के वो ये हैं, इनमें पहले स्टेप पर हम वही वेविंग एंड ब्लेंडिंग द इंग्रेडिएंट्स यानी उसका वजन करेंगे, जो मुतलका रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो रॉ मटेरियल है और उसकी मेजर जो भी चीज़ें शामिल हैं वो तमाम ले लेंगे, उसके बाद स्लगिंग फॉर्मेशन बाई कंप्रेशंस उसके स्लग्स बना लेंगे, यानी उसको बड़े बड़े पीसेस के अंदर हम जो है मिक्सअप कर लेंगे, क्या है किसी भी बेंडिंग एजेंट्स की मदद से पाउडर मिक्सचर की मदद से, उसके बाद क्रशिंग ऑफ द स्लग्स और जो बड़े बड़े पीसेस होंगे उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद स्क्रीनिंग द ग्रेन्यूल्स, उसके बाद उसको हम छानेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाएंगी, मिक्सिंग ऑफ द लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब है लुब्रिकेंट ऐड करेंगे जो उसको इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़ के रखता है, उसको टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाता, और उसके बाद मेकिंग टेबलेट्स बाय कंप्रेसिंग इन मशीन, जब लुब्रिकेंट ऐड हो जाता है तो उसको कंप्रेस मशीन के अंदर डालकर उसको हम छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो मार्केट के अंदर जिन्हें जाना होता है उस हिसाब से उसको कंप्रेस करके एक टेबलेट बना देते हैं ताकि वो मार्केट के अंदर चली जाए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबलेट का जो थर्ड मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, केमिकल सब्सटेंस अकरिंग इन ग्रेन्यूल्स फॉर्म, केमिकल सब्सटेंस पहले ही ग्रेन्यूल्स यानी छोटे छोटे पीसेस में होते हैं और हैविंग अ गुड एडहेसिव प्रॉपर्टीज कैन बी कंप्रेस डायरेक्टली इनटू टेबलेट्स, यानी उसकी आपस में एडहेसिव प्रॉपर्टी यानी उसके अंदर लुब्रिकेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले ही आपस में उसके जो सब्सटेंस होते हैं आपस में जुड़े होते हैं उसको हम डायरेक्टली कंप्रेस करके टेबलेट बना सकते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल बनाए बगैर, जैसे मिसाल के तौर पर एस्पिरिन की मिसाल है, एस्पिरिन जो है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बनाई जा सकती है। टेबलेट्स के हम जो है तीनों मेथड पढ़ चुके हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड और वेट ग्रेनुलेशन और डेट कंप्रेशन मेथड। अब जो टॉपिक है वो है फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल बनाने का तरीका। कैप्सूल्स क्या होते हैं? कैप्सूल्स आर द डोजेज फॉर्म कंटेनिंग यूनिट डोजेस ऑफ ड्रग्स इनक्लोज इन अ हार्ड और सॉफ्ट सोल्यूबल शेल्स ऑफ द जिलेटिन स्टार्च और सिमिलर मटेरियल एंड इंटेंटेड टू बी स्वेल्ड होल ओरली, यानी ऐसी कैप्सूल ऐसी चीज़ होती है, ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसके अंदर जो ड्रग्स जो होती है वो हार्ड और सॉफ्ट शेल के अंदर होती है, शेल का मतलब एक होल, होल जो होता है वो जिलेटिन का हो सकता है, स्टार का हो सकता है, या इसी तरह मिलता है जुलता किसी मटेरियल का होता है जिसको निगलना जो है वो आसान होता है, इस तरह के जो प्रोडक्ट को होगी उसको हम कैप्सूल कहेंगे। कैप्सूल क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल आर मैन्युफैक्चर इन टू सेक्शन, यानी हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन होते हैं, हार्ड जो भी जिलेटिन के होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं, कैप्सूल बॉडी एंड शॉर्टर कॉर्प, यानी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के दो हिस्से होते हैं, कैप्सूल बॉडी यानी जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बॉडी कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कैप कहते हैं। द लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग जनरल स्टेप्स, यानी जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी हो और फील्ड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को हम इस इन स्टेप्स के अंदर तैयार करते हैं। नंबर वन, डिवेलपिंग एंड प्रिपेयरिंग द फॉर्मेशन, पहले हम उसको बनाते हैं, उसकी फॉर्मेशन पूरी की पूरी तैयार कर लेते हैं, यानी हर जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर आता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ दूसरे एक्सपीडियंट वो हमारे पास तैयार हो जाते हैं,
उसके बाद हम करते हैं सिलेक्ट इन द कैप्सूल साइज, उसका कैप्सूल सिलेक्ट करते हैं, कैप्सूल साइज जो भी होगा, उसके बाद उसको फिल करते हैं, उसका शेल जो नीचे वाला हिस्सा होता है यानी उसकी बॉडी, उसको होल को फिल करते हैं, उसके बाद कैप्सूल सीलिंग यानी सीलिंग का मतलब उसको कैप भी लगा देते हैं ताकि वो जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, उसको स्वेलो करना आसान हो। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग द फील्ड कैप्सूल, जो कैप्सूल फील्ड होता है उसको साफ करते हैं यानी स्टेरिलाइज करते हैं ताकि उसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल या मॉइस्चर ना चले जाएं और वो स्वेलो करना आसान हो। फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी डोजेज फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमने कैप्सूल को डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ा इसके अंदर कैप्सूल के मैंने जो डिफरेंट तरीके हैं, कैप्सूल के बाद जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास, सॉरी हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन भी कैप्सूल भी देख लिया। इसके बाद हम सेमी डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म पढ़ रहे हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारे पास आ जाती हैं क्रीम्स एंड आइंटमेंट। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर जो ऑइंटमेंट, क्रीम्स और जो दूसरी चीज़ें जेल्स भी आ जाती हैं, और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म इंटेंडेड फॉर द टॉपिकल एप्लीकेशन, इसको टॉपिकल यानी इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम निगलते नहीं हैं, जस्ट जो स्किन होती है उसके ऊपर लगाते हैं। दे मे बी अप्लाइड टू द स्किन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द आई और यूज वेजिनली और रेक्टिकली, यानी इसको हम वेजिनली रेक्टिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम स्किन के ऊपर लगाते हैं यानी हमारी जो जिल्द होती है उसके ऊपर हम सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को लगा सकते हैं, और नेजली यानी नाक के जरिए से भी इसको भी ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्रिपरेशन आर यूज फॉर द इफेक्ट ऑफ द थेरापीटिक एजेंट पर दे कंटेन, यानी इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ दीज प्रिपरेशन आर यूज इस्तेमाल होती हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ थेरापीटिक एजेंट बाय दे कंटेन, यानी इसके अंदर जो थेरापीटिक एजेंट्स होते हैं यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके इफेक्ट को जाहिर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्किन के ऊपर। द नॉन मेडिकेटेड वन आर यूज फॉर द इफेक्ट सच एज प्रोटेक्टेंट एंड लुब्रिकेंट, जो नॉन मेडिकेट वन कोई भी प्रोडक्ट होती है उसको हम फिजिकल इफेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोटेक्टेंट एंड लुब्रिकेंट होते हैं। यानी कुछ जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती हैं वो नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं, कुछ मेडिकेटेड भी होती हैं, और जो नॉन मेडिकेटेड होंगी वो लुब्रिकेंट और प्रोटेक्टेंट के तौर पर काम करेंगी। फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म को हम फॉर्मुलेशन किस तरह करते हैं, इसके डिफरेंट तरीके हैं। एक तो अ वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल ड्रग्स मेडिकेंट मेडिकमेंट लिस्टेड अबव, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आर आल्सो सच एज, यानी इसके अंदर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर उसको हम तैयार करते हैं ड्रग्स के अलावा, डिफरेंट रॉ मटेरियल एपीआई के अंदर भी इसके अंदर शामिल होती हैं, वो उसके अंदर एपीआई कौन सी शामिल होती हैं, प्रिजर्वेटिव, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी हम कह सकते हैं या मेडिकमेंट भी कह सकते हैं, प्रिजर्वेटिव इसके अंदर शामिल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के साथ इसके अंदर शामिल होते हैं एक्स एक्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के बाद सोलुबलाइजर भी इसके अंदर शामिल होते हैं, और दूसरे जो एपीआई से मेडिकमेंट शामिल होते हैं उनमें थिकनिंग एजेंट भी शामिल होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, और इमल्सिफाइंग एजेंट भी शामिल होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी शामिल होता है, और कलरिंग एजेंट भी शामिल होता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर। फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड फॉर्म में अंदर आ जाती है हमारे पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म आर यूनिक टू इट्स कंपोजिशन, द चॉइस ऑफ सूटेबल रॉ मटेरियल फॉर अ फॉर्मुलेशन डिवेलपिंग इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग डिलीवरी रिक्वायरमेंट, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का वो यूनिक होता है, उसकी कंपोजिशन बहुत यूनिक होती है यानी मुख्तलिफ होती है, द चॉइस ऑफ सूटेबल रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिवेलपमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग डिलीवरी रिक्वायरमेंट।
हम जो जिसका रॉ मटेरियल होता है जो उसको चॉइस इस तरह करते हैं कि जैसे कि डायरेक्ट डिलीवरी रिक्वायरमेंट होती है उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही उसका जो रॉ मटेरियल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है सेमी सोलिडल फॉर्म की प्रिपरेशन के लिए या उसकी कंपोजिशन के लिए। ये तो होगा सेमी सोलिड फॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर जो APIs और मेडिकमेंट शामिल होते हैं वो उसका आपको पता चल गया। API और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs और मेडिकमेंट जो हैं ये बहुत अहम है इसके अंदर। वो कौन कौन से हैं? प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, सोलबलाइजर, थिकनिंग एजेंट, एमल्सीफाइंग एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, कलरिंग एजेंट। ये आप उसके अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर दी मेडिकमेंट एंड APIs ऑफ द सेमी सोलिड फॉर्म, सेमी सोलिड डोजेज फॉर्म, तो ये आप बता सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन सेमी सॉलिड डोजर फॉर्म होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑइंटमेंट और क्रीम, आपको बता चुका हूँ। जो ऑइंटमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड वही हम पढ़ेंगे। ऑइंटमेंट्स के अंदर ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं? ऑइंटमेंट्स आर ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन। ऑइंटमेंट जो होती है ग्रीजी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीजी का मतलब होता है कि लेसदार एक मादा होता है जो कि सेमी सोलिडल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद एन ऑइंटमेंट इज अ फैटी प्रिपरेशन ऑफ अ सच कंसिस्टेंसी एज टू इजीली अप्लाई टू द स्किन, यानी एक ऐसी फैटी प्रिपरेशन होती है जिसको स्किन के ऊपर लगाना बहुत आसान होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद आप स्किन के दे मे बी मेडिकमेटेड एंड नॉन मेडिकमेटेड। आइटमेट जो है वो मेडिकमेटेड यानी किसी इलाज मुआवजे में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, और इसके बाद नॉन मेडिकेटेड भी हो सके। नॉन मेडिकेटेड आपको बता सकता हूँ लुब्रिकेंट और प्रोटेक्टेंट आइटमेट भी हो सकती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है आइटमेट का वो दो तरह का होता है, ट्रिचुरेशन या मैकेनिकल मेथड, और दूसरा आपको बताया था फ्यूजन मेथड। पहले हम ट्रिचुरेशन मैकेनिकल मेथड को देखते हैं कि ये क्या होता है। ट्रिचुरेशन मैकेनिकल मेथड क्या होता है? इन दिस फाइनली सब डिवाइडेड इनसोल्युबल मेडिकमेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाई ग्राइंडिंग विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस फॉलोड बाई डिल्यूशन विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द बेस। यानी इस तरह के जो मेथड होता है आइंटमेंट की तैयारी के लिए उसके अंदर मेडिकमेंट को है बराबरली यानी बराबर के इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड के मुताबिक के बराबर उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे हिस्सों के अंदर। पूरे उसके जो ग्रेन्यूल डिल्यूशन होता है उसके अंदर ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द बेस थोड़ा थोड़ा करके हम उसको शामिल करते हैं। उसके बाद जो है उसकी बेस बढ़ाई जाती है यानी उसकी मकदार जो है चाहे मेडिकमेंट है नॉन मेडिकमेंट इंग्रेडिएंट्स है उसकी मकदार बढ़ाई जाती है ऐसे ऐसे करके ऑइंटमेंट के अंदर। ये जो है उसका ट्रिचुरेशन मेथड। और तो दूसरा मेथड है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड किस तरह तैयार करते हैं? द इंग्रेडिएंट्स आर मेल्टेड टुगेदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स। इंग्रेडिएंट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो शामिल करते हैं, और आस्ते आस्ता जो टेम्परेचर होता है हीट का वो बढ़ाते रहते हैं, ठीक हो गया। और एंड स्टीयर टू इंश्योर द होमोजेनिटी, और उसका स्टीयर यानी उसके अंदर जैसे हम कोई भी सालन पकाते हैं और बीच में चमचा हिलाते रहते हैं इसी तरह उसके अंदर स्टीयर यानी चमचा आप समझ लें वो हिलाते रहते हैं ताकि वो होमोजेनिटी यानी यकसानियत जो है उसके अंदर बन जाए। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपस में मिक्स होकर एक जैसे पूरी मकदार उसके अंदर बन जाए और वो हीट के जरिए से बनती है, इसको हम फ्यूजन मेथड कहते हैं। सेमी सॉलिड कॉमन सेमी सॉलिड डोजर फॉर्म का जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका नाम है क्रीम्स। क्रीम्स की जो टाइप्स होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद पहले हम क्रीम्स को देखते हैं कि क्रीम होती क्या है। क्रीम आर सेमी सॉलिड इमल्शंस। क्रीम सेमी सॉलिड इमल्शन है यूजुअली फॉर द एप्लीकेशन टू स्किन। ये भी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करते हैं यानी टॉपिकल इस्तेमाल करते हैं। दे मे बी मेडिकमेटेड और नॉन मेडिकेटेड, ये भी मेडिकमेटेड और नॉन मेडिकमेटेड हो सकती हैं, ठीक है ना। इसी तरह क्रीम्स की जो टाइप होती हैं वो दो तरह की होती हैं, ऑयल इन वाटर
और वाटर इन ऑयल। पहले हम ऑयल इन वाटर पढ़ेंगे। ऑयल इन वाटर ग्रेन्स विच आर कंप्रेस्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल ऑयल डिस्पर्स्ड इन दी कंटिन्यूस फेज। यानी ऑयल इन वाटर का मतलब है इसके अंदर ऑयल कम मकदार में होता है, वो तमाम कंटिन्यूस फेज यानी आप कह सकते हैं वाटर के अंदर शामिल होता है, एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बराबर मकदार के अंदर। यानी इसमें ऑयल जो है कम होता है और पानी ज़्यादा होता है, ऑयल इन वाटर आप कह सकते हैं। दूसरा जो है मेथड है वो है हमारे पास वाटर इन ऑयल, इसमें वाटर कम होता है ऑयल ज़्यादा होता है। वाटर इन ऑयल क्रीम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इनमें यानी वाटर थोड़ी मकदार में होता है, डिस्पर्स्ड इन अ कंटिन्यूस फेज के अंदर, कंटिन्यूस ऑयली फेज के अंदर होता है, यानी ऑयल ज़्यादा होता है और वाटर कम होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे वाटर इन ऑयल क्रीम्स होती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इमर्शन यानी क्रीम्स के बनाने के जो तरीकेकार हैं वो पढ़ रहे हैं। वो तीन तरह के हैं, वेट कम मेथड और ड्राई कम मेथड और इसके बाद बॉटल मेथड, ठीक है ना। पहले हम पढ़ेंगे वेट कम मेथड। वेट कम मेथड क्या होता है, आप प्राइमरी इमर्शन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई वेरियस मेथड। यानी जो एक क्रीम्स होती है आमतौर पर क्रीम बहुत से तरीक़ों से बनाई जा सकती है। हाउ एवर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व इन इसकी जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर शामिल होती हैं उसकी टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह उसको बना रहे हैं। तो आमतौर पर जो इसकी स्टेबल फार्मूलेशन होती है वेट कम मेथड के अंदर वो तो इसमें फिक्स्ड ऑयल वाटर होता है, फिक्स्ड ऑयल होता है और वाटर होता है एंड अकाशिया होता है। यानी तीन चीज़ होते हैं ऑयल वाटर एंड अकाशिया। वेट कम मेथड में ऑयल ज़्यादा होता है, इसके अंदर 4:1 ऑयल होता है, फिर 2:1 यानी 1 पॉइंट जो हमारे पास जो होगा अकाशिया यानी गम होगी उसकी दोगुनी मकदार में हमारे पास होगा वाटर, उसकी यानी अकाशिया की चौथी मकदार में ऑयल हमारे पास होगा। इट प्रिपेयर्ड बाई द फॉलोइंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ वेट ग्रेनुलेशन मेथड वो ये होता है, टू पार्ट्स ऑफ द ऑयल यानी टू पार्ट्स ऑफ वाटर पानी के दो हिस्से एंड 1 पार्ट ऑफ अकेशिया मिक्सचर। यानी पहले 2:1 रेशियो बनाएंगे, पानी और अकाशिया को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है ना, जिस तरह भी मिक्स करेंगे उसका मिसीलेज बन जाएगा। उसके बाद ऑयल इसके अंदर शामिल किया गया, ऑयल टू बी एडेड स्लोली विद कंटिन्यूस सैचुरेशन अंटिल अ स्मूथ क्रीम ऑफ द प्राइमरी इमर्शन फॉर्म्ड। यानी ऑयल डाल के उसके साथ साथ चमचे के साथ हिलाते भी रहेंगे, कंटिन्यूस स्टिरिंग भी करते रहेंगे ताकि वो एक जैसा इमर्शंस बन जाए, क्रीम्स जो है स्मूथ क्रीम तैयार हो जाए, ठीक हो गया। ऑयल को सबसे लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर शुड बी अगेन टर्चुरेटेड, उसको दोबारा टर्चुरेटेड किया जाए फॉर अनदर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए, एंड देन ऐड वाटर टू मेक अप द वॉल्यूम विद द कंटिन्यूस टर्चुरेशन। अगर थोड़ी सी कमी रह गई है तो उसके अंदर मजीद वाटर डालकर उसको मुकम्मल मकदार बनाई जाएगी उसकी। जो दूसरा मेथड है मर्चन या क्रीम बनाने का उसको हम ड्राई कम मेथड कहते हैं। ड्राई कम मेथड के अंदर पानी ज़्यादा होता है और ऑयल कम होता है। अब प्राइमरी इमर्शन ऑफ फिक्स्ड ऑयल वाटर एंड अकाशिया रेशियो इज अ पार्ट ऑफ 4:2:1 इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी BPA रेशियो 4, 4 पॉइंट इसके अंदर वाटर के होंगे, 2 पॉइंट ऑयल के होंगे, 1 जो है अकाशिया का होगा। द ऑयल इज मिक्सड इन अकाशिया, इसमें सबसे पहले हम ऑयल को अकाशिया के साथ मिक्स करेंगे पेस्टल के साथ या मोटर की मदद से, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली और जब बराबर बराबर पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके अंदर प्योरीफाइड वाटर शामिल करेंगे। वाटर के शामिल करने के साथ 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 उसको हिलाते भी रहेंगे चमचे के साथ ताकि वो एक जैसा इमल्शन बन जाए, और उसके बाद ऐड अनदर एडिटिव्स एंड रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज एडेड विद द कंटिन्यूस ट्रांजिशन ऑफ टू फिनिश बनाने। यानी अगर कोई मकदार कम रह गई है तो पानी डाल के उसको मजीद उसकी मकदार को पूरा कर देंगे, और दूसरे इंग्रेडिएंट एडिटिव्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे लास्ट के अंदर। ये इस तरह हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। जो इमल्शंस का जो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसका नाम है बोटल मेथड। बोटल मेथड में क्या होता है कि आप बोटल में सारी चीजें डाल के उसको हिलाते रहेंगे तो वो मिक्स होकर क्रीम बन जाएगी। इट इज मॉडिफाइड मेथड ऑफ द ड्राई कम मेथड। द रेशियो ऑफ द ऑयल वाटर एंड अकाशिया शुड बी 3:1।
यानी इसमें ऑयल 3 पॉइंट होगा, वाटर 2 होगा, और अकाशिया यानी गम जो है 1 पॉइंट होगी, या इसको 2.11 भी कह सकते हैं, यानी 2 पॉइंट ऑयल के होंगे और 1 वाटर और 1 अकाशिया। इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन एज अ लो विस्कोसिटी ऑफ द वोलेटाइल ऑयल रिक्वायर अ हाई प्रिपरेशन ऑफ द एसिड्स, यानी इसमें ऑयल की मकदार कम होने की वजह से एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। प्रोसेस जो है बटर मेथड के ये हैं कि आपने ऑयल इज मिक्स इन काशिया, सबसे पहले ऑयल को काशिया के अंदर शामिल करेंगे, शेकिंग विद द बॉटल यूनिफॉर्मली, यानी इसमें आप कह सकते हैं उसी तरह जैसे हम जो मेथड पढ़ रहे थे ड्राई वेट गम मेथड, वेट गम मेथड के अंदर उसी तरह पहले हम ऑयल को वाटर के साथ मिलाते थे, इसी तरह भी इसमें भी पहले ऑयल वाटर को आपने सॉरी ऑयल और काशिया गम को आपस में मिलाते थे, इसी तरह इसमें भी ऑयल और काशिया को आपस में मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर और जो मुकर्रा पानी की मकदार होगी वो इसके अंदर शामिल करेंगे, उसको शेक शेक अंटिल यूनिफॉर्म इमल्शन इज फॉर्म, उसको शेक करेंगे यानी हिलाते रहेंगे ताकि वो यूनिफॉर्म इमल्शन यानी एक जैसा इमल्शन तैयार हो जाए। ये हो गए इसके बॉटल मेथड स्टेप्स। लास्ट में आपको क्वेश्चन होता है कि आप इस चैप्टर में जो पढ़ा है क्या आपको समझ आया है, तो आपने इसका आंसर देना है ताकि आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ आ सके। क्वेश्चन ये है क्रीम्स आर सेमी सॉलिड इमल्शन यूजुअली फॉर द प्रिपरेशन टू, क्रीम सॉलिड सेमी सॉलिड इमल्शन हैं आमतौर पर तैयार की जाती हैं फॉर द एप्लीकेशन ऑफ, किस जगह इस्तेमाल करने के लिए, स्किन के ऊपर, ओरली, बाई माउथ, या दोनों तरीक़ेकार, या इनमें से कोई भी नहीं। इस पर सही आंसर क्या है यह आपने कमेंट्स में इंशाल्लाह बताना है। Watching my channel, please subscribe if you are new and share if you are old.